उड़ोगे जी सर, आप भी दौड़ा दे, निकाले पैंट सर। अरे नहीं दौड़ेंगे सर, आप भी दौड़ेंगे इसी हसिया से। पत्ता बनाएगा चार बार, अगर कोई उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना तो बान कुमारी मायावती जी बनी है, न तो बसपा बना है, न तो भाजपा बना है, न तो सपा बना है। यही दिखाने के लिए आपको ले चल रहा अपने बहुजन पार्टी का, यही दिखाने के लिए। आ जाओ, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये लखनऊ जाता है या गोरखपुर। फिलहाल मुख्यमंत्री कोई बनेगा तो बान कुमारी मायावती। जी सर, आप भी दौड़ा दे, निकाले पैंट सर। अरे नहीं दौड़ेंगे सर, आप भी दौड़ेंगे इसी हसिया से। दौड़ेंगे अभी, हम तो मजाक कर रहे हैं। नहीं सर, इसी हाईवे पे अभी दौड़ेंगे। अरे चलो, आप तुमको जानते हो, आप दौड़ के जानते हो कैसे दिखाना है सर। लखनऊ पे किसी को पहुंचाओ जिससे आपको उम्मीद हो। सर बान कुमारी मायावती जाएंगे इस बार। जय 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 बान कुमारी मायावती, बान कुमारी मायावती। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो हाथ में डंडा और झंडा है जी सर, इसको बदल के आप बंदूक लेना चाहते हैं क्या? बिल्कुल सर, मगर झंडा हमेशा सर ऊपर रहेगा। बंदूक तो लेंगे मगर झंडा झुका के नहीं सर, झंडा तो बिल्कुल यही रहेगा। बंदूक कौन वाली लोगे? बंदूक सर सरकार जो 40 AK-47 से लेंगे हम। यानी जी डी में जाना चाह रहे हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल तैयारी कर रहे हो जी सर। अरे हम भी तीखी है, इसलिए बहुत कुछ जान रहे हैं। आप बताओ क्या हाल है? ठीक हाल है। आप भी तैयारी करते थे? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी क्लास तक? सिविल सर्विस तैयार कर रहे हैं। अच्छा देखिए, सिविल सर्विस कर रहे हैं यार, नौकरी बता रहे हैं कि मिल नहीं रहे, भैया बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, हम तैयारी करते चले जा रहे हैं। हम बता दें आपको, नौकरी चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे सपा की सरकार हो, अगर आपको नौकरी लेना है तो इसका मतलब लोहे का चना चबाना है। और आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे बड़े भाई आप भी शिक्षित होंगे बिल्कुल, और ये इस सरकार में ये हाल है कि जब आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो इस सरकार की हालत समझ रहे हैं। अरे यही समझने के लिए आपके बीच में आए हैं, आप बताइए भाई। तो वही तो कर रहे हैं, आप भी मतलब शिक्षित है, पत्रकारिता कर रहे हैं, तो इसका मतलब समझ ही रहे हैं कि सरकार में क्या हालत है, शिक्षक युवा बेरोजगारों की क्या हालत है समझ रहे हैं। और रही बात सरकार की, जहाँ तक आप जो सबसे ज्यादा संख्या में या सबसे ज्यादा मात्रा में रहेगा वही सरकार सत्ता बनाएगा। चार बार अगर कोई उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना तो बान कुमारी मायावती जी बनी है, न तो बसपा बना है, न तो भाजपा बना है, न तो सपा बना है। तो ये चीज बताओ कि ये बसपा के जो समर्थक है आज बसपा सुप्रीमो को सुनने के लिए आ रहे हैं, और जो इधर ही आगे कहीं जो है अखिलेश यादव की भी रैली है, क्यों? बिल्कुल है। तो किसमें ज्यादा भीड़ होगी सर? बसपा में सर, बहुजन समाज पार्टी कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि आप पत्रकार हैं, आप भी तो पूछ ही रहे हैं सबसे, आप भी तो देख ही रहे हैं ना सबसे, उसमें पूछने और बताने वाली बात क्या है? आप देख क्या रहे हैं? अरे हम देख तो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि भाई हम ना कह पाए, आप लोगों समझे। अरे यार तो आप हम कह रहे हैं तो उसको मानिए, मान तो रहे हैं भाई, मान ही रहे ना। तो फिर किसकी भी किसके आप नहीं कह पाएंगे, आपका कैमरा तो कहेगा ना, आप कैमरा तो दिखाएगा ना, कैमरा दिखा रहा है आपको, यही दिखाने के लिए आपको ले चल रहा अपने बहुजन पार्टी का, यही दिखाने। आ जाओ आइए देखिए, ये आप दिखाते रहिए कि ये देखिए कि ये जो बसपा, हाँ बसपा प्रमुख हमारे बान कुमारी मायावती जी का जनसलाब। और आपसे बता देना चाहते हैं, हमारे प्रमुख भाई बहन जो टीवी पे देख रहे हैं कि अब की बार पांचवी बार मुख्यमंत्री कोई बनेगा तो बान कुमारी मायावती। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं बनारस से, और आपको बता दें कि यहाँ से करीबन 200 मीटर की दूरी पर बसपा सुप्रीमो मायावती का। आप इधर देखिए कि यहाँ पर सड़कें बन रही हैं, खुदी हुई है, बाबा जी का बुलडोजर भी इधर खड़ा हुआ है। ये देखिए, ये बाबा जी का बुलडोजर किधर जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये लखनऊ जाता है या गोरखपुर। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कैमरा पर्सन अनिकेत श्रीवास्तव के साथ मैं श्रवण चौहान, लखनऊ उत्तर प्रदेश।